हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरा ये प्लांट है जो मैं यहाँ पे जो भी कटिंग होती है इसमें लगा देती हूँ। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का पड़ा हुआ था, जालीदार है वैसे। इसमें पहले मैं इसमें प्याज वगैरह रखती थी, तो अब ये खाली थोड़ा टूट गया, तो इसमें मिट्टी डाल के मैंने थोड़ा नीचे कपड़े बिछा के तो इसमें मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से ये जो प्लांट है इसकी कटिंग, जब भी कोई ब्रांचेस मिलती हैं, कोई जरूरत पड़ती है तो नई से नई कटिंग देखिए तैयार होती रहती है। आप जब भी कभी कोई प्लांट की कटिंग करते हैं तो उसको आप फेंकिए मत। देखिए मैं छोटी से छोटी कटिंग भी लगा रखी है ताकि ये प्लांट मेरे को दोबारा नए तैयार प्लांट मिले। जब कई बार ऐसा होता है कोई फ्रेंड वगैरह प्लांट मांगता है तो यहाँ से उसको दे देती हूँ निकाल के। तो इस तरह से यहाँ पे प्लांट मैंने तैयार किए हुए हैं, काफ़ी प्लांट ये बन जाते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा ये प्लांट है, यहाँ से ये कटिंग वगैरह लेते हुए तो ये काफ़ी बड़ी देखिए इसकी ये बन गई है। रूट्स वगैरह देखते हैं, देखिए इसकी ब्रांच कितनी बड़ी बन गई है। अब यहाँ से नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से जब भी मुझे देखिए ये भी इस तरह से लंबी, काफ़ी लंबी ब्रांच है। तो ये देखिए इधर यहाँ से ये भी काफ़ी लंबी ब्रांच बनी हुई है। तो इस तरह से मैं जब भी कोई प्लांट की कटिंग करती हूँ या आगे से कहीं मेरी प्लांट को जब फालतू कटिंग हो जाती है प्लांट के ऊपर तो उसको मैं लगा देती हूँ। इस तरह से लगाने से आप एक तो आपको प्लांट मिल जाएंगे, दूसरा आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है कोई नया प्लांट तैयार करने के लिए इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं। तो आप कोई भी शेप देना चाहें, जब भी कभी देखिए छोटी छोटी ब्रांचेस की भी आप कहीं तरह शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं जब भी मुझे कटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से मैं लेके नया प्लांट तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए छोटी छोटी ब्रांचेस लगाई हैं, तो छोटी छोटी ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई हैं। तो आप जब भी कभी कोई प्लांट की ये जेड प्लांट की जो कटिंग होती है उसको फेंके मत, और किसी भी आप छोटे से छोटे जो होते हैं खाली डिब्बे पड़े होते हैं उसको आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई देखभाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैं इसको देखिए तैयार किया हुआ है। तो ये कटिंग अपने आप ही देखिए, इसमें कोई ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, देखभाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आपको नया प्लांट तैयार मिल जाता है। तो ये थी मेरी जेड प्लांट की कटिंग के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।